गुड आफ्टरनून थर्ड क्लास, माई सेल्फ पूजा, योर्स जी के टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम जी के की क्लास में चैप्टर 18 करेंगे, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण शहर। रीड द क्लूज एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। बच्चों, आपको ये क्लूज जो दे रखे हैं, आपको ये क्लूज रीड करने हैं और इनकी सिटीज़ के नाम लिखने हैं। फर्स्ट देखिए बेटे, दिस सिटी इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इस शहर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। किस शहर को? गुलमर्ग को। गुलमर्ग एक हिल स्टेशन है, इसको पहले गौरीमर्ग के नाम से जाना जाता था, परंतु अब गुलमर्ग कहते हैं। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग और स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों यह देखने में बिल्कुल कैसा लगता है, बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह लगता है। ठीक है, जैसे वहाँ पर बर्फ़ है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही बर्फ़ है। सेकंड देखिए, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन दिस सिटी। न्याय का सर्वोच्च न्यायालय, या फिर हम इसे उच्चतम न्यायालय भी बोल सकते हैं, इसी शहर में स्थित है। किस शहर में? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। थर्ड देखिए, दिस सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। यह नगर हुगली नदी के तट पर स्थित है। देखिए बच्चों, कौन सा नगर? ये नगर है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। बच्चों, कोलकाता भारत का दूसरा बड़ा महानगर है और भारत के प्रमुख महानगरों में से भी एक है। फोर्थ देखिए, दिस सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ हिल्स। इस शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। कौन से शहर को? मसूरी को। देखो बच्चों, मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का पर्वतीय नगर है। यहाँ पर बहुत सारे पर्वत और पहाड़ हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक ऐसी सिटी है जहाँ पर लोग बार बार आते और जाते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो सुंदरता है वो मन को मोह लेती है। ठीक है, फिफ्थ देखिए, इट इज़ अ हिल स्टेशन नेम्ड आफ्टर अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यह एक हिल स्टेशन है जिसका नाम भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर रखा गया है। वो कौन सा हिल स्टेशन है? डलहौजी। बच्चों, लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज के गवर्नर जनरल थे। देखिए बच्चों, सिक्स, दिस सिटी इज फेमस एज द सिटी ऑफ द ताजमहल। देखिए बच्चों, यह शहर जो है इसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये जो शहर है वो ताजमहल के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो कौन सा शहर है? आगरा। देखिए बच्चों, काफ़ी बच्चे आगरा घूमने के लिए भी गए होंगे। जो लोग आगरा जाते हैं वो ताजमहल को भी ज़रूर देख के आते हैं। ठीक है, ताजमहल जो है बहुत ही सुंदर है, ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, और रात को इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा अधिक हो जाती है। जब चांदनी रात होती है ना, तो इसकी सुंदरता और भी ज़्यादा अधिक हो जाती है। सेवंथ देखिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इट वॉज द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। ब्रिटिश शासन के दौरान यह भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। कौन सी? शिमला। एट्थ देखिए बच्चों, इन दिस सिटी जलियांवाला बाग मैस्कर टुक प्लेस। इसी शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन से शहर में? अमृतसर में। देखो बच्चों, बैसाखी का दिन था, 1919 सन था। तब क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को और भारत के लोगों को, ठीक है, चालबाजी से एक बाग में बुलाया, ये कहकर कि हम यहाँ सभा रखेंगे और आराम से अपनी आपसी समस्याओं को सुलझाएंगे। मगर अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके साथ धोखा किया और वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उन सबको गोलियों से मार दिया, उन पर निरंतर गोली चलानी शुरू कर दी। ठीक है, देखो वो जो बाग था ना, वो चारों तरफ से बंद था, बड़ी बड़ी दीवारों से बंद था, इसलिए वहाँ से कोई लोग भाग नहीं सके। ठीक है, कई लोग पैरों के नीचे आके कुचल गए, कई लोग एक कुआं था वहाँ पर, जहाँ वहाँ पर कूद गए। ठीक है, कुएं से निकलने का रास्ता तो था नहीं, इसलिए वहाँ पर मर गए।
इसी तरह ठीक है, तो सभी लोग जो हैं वो मर गए, इसीलिए जो है इसे जलियांवाला बाग कहा जाता है। ठीक है, तो जो जलियांवाला बाग है ठीक है, ये कौन से सिटी में है? अमृतसर में है। नाइन्थ देखिए, दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, यह तमिलनाडु की राजधानी है, कैपिटल सिटी है, कौन सी? चेन्नई। टेंथ देखिए बच्चों, दिस प्लेस इन बिहार इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल मिथिला पेंटिंग्स, बिहार का यह स्थान अपनी पारंपरिक मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान? मधुबनी। ठीक है, जो मधुबनी है वो बिहार बिहार का वह स्थान है जो अपनी पारंपरिक मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए बच्चों, आज हमने चैप्टर 18 पढ़ा, आपको ये चैप्टर अपनी बुक में कंप्लीट करना है और साथ ही साथ रिवाइज भी करना है। थैंक यू।